अस्सलामुअलैकुम, आज हम मैश पोटैटो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने पोटैटोज को बॉईल कर लिया है और एक कटोरी मैंने बटर लिया है और एक मैंने फ्रेश क्रीम ली है और ब्लैक पेपर लिया है और सॉल्ट अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैं अब देखिए हम इसी पैन में बनाने जा रहे हैं। इस पैन में हम इस पोटैटोज को ऐसे ग्रेट कर लेंगे। देखिए ये मैश होता चला जा रहा है, इससे ज़्यादा इजी मैश हो जाता है और वैसे मैश करने जाएंगे फिर भी पीसेस रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे मैश किया। ये देखिए हमने बटर डाल के इसको थोड़ा सा कि मैंने गार्लिक को थोड़ा क्रश कर लिया है ताकि मैश पोटैटो में हम ये भी डाल सके। बॉल जब से फ्राई कर दे रही हूँ, फ्राई करके इसमें मैश पोटैटो डाल देंगे। इसमें हम गार्लिक को मैंने इसको डाल कर लिया है क्रश करके। जो गार्लिक मैंने निकाला है ग्रेट किया था थोड़ा सा गार्लिक, वैसे में थोड़ी सी मैं रोजमेरी डाल के पास फ्रेश हो तो फ्रेश डाल दीजिए, हम ना पास तो ये सूखी वाली है तो मैं इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके डाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा थोड़ा बटर करके डालेंगे ताकि इसको मैश कर सके और इसी में हम ब्लैक पेपर भी डालेंगे, नमक भी, क्योंकि बटर सॉल्टी है इसलिए नमक हम अपने टेस्ट करके डालेंगे कि कितना इसे सॉल्टी बटर से कितना टेस्ट आया है। देखिए पूरा पोटैटोज मैश हो चुका है। स्पून जो है ये थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे ताकि और इसमें स्मूथनेस बने और ये अब छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसको मैश करके बच्चे खाते हैं, छोटे बहुत ही शौक से खाते हैं और टेस्टी भी होता है। बड़े तो खाते ही हैं, बच्चे भी खाते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर हम और डाल देंगे क्योंकि मैश पोटैटो में बटर के ऊपर ही बनता है ये। ये देखिए कितनी स्मूथ होता चला जा रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको भूनना है। अभी देखिए मैंने मिल्क डाला है, उसके बाद अभी मैं क्रीम डालूंगी तो और क्रीमी और वैसा हो जाएगा। इसका मैं बटर नमक चख लेती हूँ, उसी के हिसाब से मैं सॉल्ट डालूंगी। मैंने सॉल्ट देखिए इतना डाल दिया है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालें टेस्ट करके कि क्यों बटर डाला है सॉल्टी। अगर अनसॉल्टेड बटर डालते हैं तो आप जो है नमक उसके हिसाब से। देखिए अब इसमें हम फ्रेश क्रीम जो आपको दिखाई थी, ये लिक्विड क्रीम है तो मैं इसको पूरा डालूंगी। अभी आधा मैं डाल के थोड़ा चलाती हूँ, उसके बाद थोड़ा और डालूंगी। रोजमेरी का दिख रहा है थोड़ा सा, जरा सा मैं और भी डाल दूंगी पूरा इसका। एक डिब्बा मैंने चार पोटैटोज में एक डिब्बा पूरा डाला। देखिए अब ये तैयारी पे है, बस एक बार और चला लेंगे इसको, पेपर डालेंगे और इतना डालना है कि आप बच्चों को भी खिला सकें आसानी से। इतना ही रहना चाहिए। देखिए देखिए अब इसमें हम जो बटर मेरा बचा था वो हम बटर भी डाल देंगे और इसको हम ये देखिए मेरा मैश पोटैटो हम प्लेटिंग करके